on the thumbnail and believing in me. Hi everyone, this is Navneet Kaur and welcome back to Commerce Crunch. So as you have read in the thumbnail कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों में से कौन सा पेपर ज्यादा इम्पोर्टेंट है टू क्रैक यूजीसी नेट एग्जाम. So if you are also aspiring for UGC NET exam, then you must watch this video because this will really gonna help you in preparation for your UGC NET exam. Fine. So without any further delay, let's get started. So as you all know that UGC NET exam has two papers, paper 1 and paper 2. तो पेपर 1 जो होता है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होता है नो मैटर विच स्ट्रीम दे आर कमिंग फ्रॉम, एंड पेपर 2 जो होता है वो उनके खुद के सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है जिस सब्जेक्ट में उन्होंने मास्टर्स की है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की है. राइट नाउ स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करने में प्रॉब्लम कहाँ आती है? एक्चुअली पेपर 1 जो होता है वो उनके लिए बिल्कुल नया होता है, दे आर नॉट फेमिलियर विद दैट पेपर, एंड जो पेपर 2 होता है वो उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, दे आर रादर मच फेमिलियर विद पेपर 2 बिकॉज वही सब्जेक्ट वो ग्रेजुएशन में पढ़कर आए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़कर आए हैं, तो उन्हें पेपर 2 के बारे में पता होता है. बट स्टूडेंट्स गेट जनरली स्ट्रेस्ड आउट व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर पेपर 1 बिकॉज पेपर 1 एक तो इसका सिलेबस बहुत वाइड है, उन्हें समझ नहीं आता प्रिपरेशन कहाँ से करें, कितनी प्रिपरेशन करें, कैसे करें, बिकॉज उनके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट होता है. ठीक है, तो अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले पेपर 2 के ऊपर अपनी कमांड करनी चाहिए. राइट बिकॉज पेपर 2 आपके लिए नया नहीं है, आप ऑलरेडी उसको पढ़कर आए हो, तो आपको उसकी और अच्छी प्रिपरेशन करके उसके ऊपर कमांड कर लेनी है ताकि पेपर 1 में अगर आपके मार्क्स कम भी आए तो वो पेपर 2 से कवर हो जाए. अब ऐसा कैसे? क्योंकि मार्किंग स्कीम इस तरह से है, पेपर 1 एंड पेपर 2 में जितने भी आप मार्क्स लेकर आओ एग्रीगेट बेसिस पे ही देखा जाता है दैट वेदर यू हैव क्रॉस्ड द पासिंग क्राइटेरिया और नॉट. अब पासिंग क्राइटेरिया क्या है? जनरल स्टूडेंट्स के लिए 40% है एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 35% है. तो अगर मैं जनरल स्टूडेंट्स की बात करूं, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स की बात करूं, तो आउट ऑफ 300 टोटल पेपर 300 मार्क्स का होता है, पेपर 1 इज ऑफ 100 मार्क्स एंड पेपर 2 इज ऑफ 200 मार्क्स. तो आउट ऑफ 300 का 40% दैट इज 120 मार्क्स, तो उन्हें पास होने के लिए 120 मार्क्स स्कोर करने हैं. अब 120 मार्क्स पेपर 1 से कितने चाहिए, पेपर 2 से कितने चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है, सिर्फ उन्हें 120 मार्क्स स्कोर करने हैं पास होने के लिए. इट मीन्स अगर आप पेपर 2 में अच्छा स्कोर करते हो, पेपर 1 में अगर आपके मार्क्स कम भी आते हैं तो भी वो मार्क्स जहां कम आए हैं पेपर 2 से आपके कवर हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू क्रैक योर नेट एग्जाम. राइट सो दिस इज हाउ यू शुड स्ट्रेटेजाइज योर प्रिपरेशन. अगर आप पेपर 2 को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, पेपर 1 की आप प्रिपरेशन नहीं कर पाते हो या थोड़ी प्रिपरेशन करते हो तो भी आप नेट एग्जाम क्रैक कर सकते हो. ठीक है, बिकॉज एग्रीगेट बेसिस पे मार्किंग होती है, तो इसको आप इस चीज का आपको बेनिफिट लेना चाहिए. अगर मैं अपनी बात करूं, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय नेट एग्जाम तो मेरे पास टाइम लिमिट की शॉर्टेज होने की वजह से मैं पेपर 1 की प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी. मेरे पास टाइम लिमिट कम था, सो मैंने क्या सोचा कि मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर 2 को पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर अपनी कमांड करनी चाहिए बिकॉज दैट पेपर इज रिलेटेड टू माय सब्जेक्ट जो मैं ग्रेजुएशन में पढ़कर आई हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़कर आई हूँ. सो मेरे लिए ज्यादा इजी होगा नेट एग्जाम को क्रैक करना अगर पेपर 2 में अच्छा स्कोर कर लेती हूँ. तो पेपर 1 के लिए मैंने क्या किया था, मैं जितने जो यूनिट्स मेरे लिए इजी थी, जो मुझे इजी लग रही थी, जो मैं कम टाइम में प्रिपेयर कर सकती थी, मैंने उतना ही प्रिपेयर किया था. एंड पेपर 1 में यस मैंने कम स्कोर किया था बट पेपर 2 में ज्यादा स्कोर करने की वजह से वो मार्क्स कॉम्पनसेट हो गए एंड आई मैनेज टू क्रैक माई नेट एग्जाम. सो यू कैन ऑल्सो स्ट्रेटेजाइज योर प्रिपरेशन लाइक दिस इफ यू हैव टाइम शॉर्टेज. ठीक है, एंड ऐसा नहीं है कि आपको पेपर 1 को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेना है, बिल्कुल उसकी प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको करनी है प्रिपरेशन. बट अगर आपको लगता है कि नहीं पेपर 1 मुश्किल है, हम नेट का एग्जाम कैसे क्रैक करेंगे, सो यू कैन स्टिल क्रैक द एग्जाम इफ यू मेक योर पेपर 2 स्ट्रॉन्ग. राइट, आप अपना पेपर 2 स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो पेपर 1 अगर एवरेज स्कोर भी करते हैं तो भी आप नेट का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं. अब ये तो हो गया नेट एग्जाम के लिए. इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू क्वालिफाई JRF, अगर आप JRF भी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको पता है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा स्कोर करना पड़ेगा. ठीक है, आपको और भी ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे बिकॉज JRF की कट ऑफ हाई जाती है नेट से, क्योंकि नेट के लिए तो 6% क्राइटेरिया है, 6% ही स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं नेट एग्जाम के लिए. वाइल ऑन द अदर हैंड JRF के लिए हार्डली 1 और 2% ही स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं, तो आपको जेआरएफ के लिए ज्यादा मार्क्स लाने होते हैं। उस केस में पेपर 1 में भी आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा एज वेल एज इन द पेपर 2। तो अगर नेट की बात करूं तो पेपर 2 इज मोर इम्पोर्टेंट देन पेपर 1, बट जेआरएफ भी अगर आपको क्वालिफाई करना है देन यू नीड टू प्रिपेयर बोथ पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 वेरी वेल। दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी प्रेपरेशन को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस पेपर के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर नेट एंड इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर जेआरएफ, तब आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन स्ट्रेटेजाइज योर प्रिपरेशन एंड दिस इज हाउ यू कैन डिसाइड which paper is more important for you, which paper you should focus, because आपको अपनी strengths देखनी है। अगर आपको लगता है कि आप पेपर 1 की तैयारी कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको करनी चाहिए, बिकॉज उससे आपका जेआरएफ भी क्रैक हो सकता है, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं होगा, आपसे प्रिपरेशन करने में टाइम लग रहा है, तो आपको पेपर 2 को फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रांग बनाना है। एंड पेपर 2 का आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप लेक्चरार बनोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, तो आपको वही सब्जेक्ट पढ़ाना है। तो अगर आपका वो कमांड उसमें स्ट्रांग अच्छी रखते हो आप, आगे भी आपको वो हेल्प करेगा एज वेल एज एग्जाम क्रैक करने में भी हेल्प करेगा। सो गाइज, दिस इज ऑल फ्रॉम माई पार्ट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड नॉलेजेबल। If yes, you can hit the like button and you also can subscribe to my channel for more such videos. I'll be back very soon with a new video. Till then, take care of yourselves and bye bye.